फर्स्ट चैप्टर सेट्स। नाउ व्हाट इज सेट? तो डेफिनेशन इज, सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। नाउ कलेक्शन तो हम जानते हैं, कलेक्शन का मतलब क्या होता है, हम ये भी जानते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। अब ये वेल डिफाइंड क्या है? तो वेल डिफाइंड का मतलब है जो हमको क्लियरली आइडिया दे कि कौन सा ऑब्जेक्ट मेंबर है या तो कौन सा ऑब्जेक्ट मेंबर नहीं है, मतलब कि वो हमें मिसगाइड नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने बोला कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर, तो यहाँ पर आपको बोला गया है कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर। अब बेस्ट क्रिकेटर की डेफिनेशन क्या है? आप किसको बेस्ट क्रिकेटर बोलेंगे? क्या वो कोई पर्टिकुलर बैट्समैन होगा या बॉलर होगा? तो यहाँ पर जो आपको डेफिनेशन दिया गया है कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर, ये हमको मिसगाइड करने के लिए दिया है। इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स डेफिनेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। अब सेकंड देखते हैं एक और, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो हमको यहाँ पर बोला गया है वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हमको पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट कौन है, उसमें वॉवेल्स क्या है, तो इट मीन्स इट इज़ well defined, okay? Because if I say A, then you say yes, it is vowel. If I say C, then you say no, it is not vowel. It means ये well defined है, कौन सा object या तो कौन सा alphabet ये collection का member है या नहीं है, वो हम without any doubt बोल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वेल डिफाइंड। तो यस इट इज सेट, ये जो आपको दिया गया है ये एक्चुअली सेट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल डिवाइजर्स ऑफ 10। तो यहां पर जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं वो है नेचुरल। अब हमको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, 2, 3। इसके बाद इसने और एक चीज़ बताई, डिवाइजर्स। तो एक तो नेचुरल होना चाहिए, डिवाइजर होना चाहिए एंड ऑफ 10। इट मीन्स ये मुझे क्लियरली बता रहा है कि कौन सा डिजिट इसका पार्ट है और कौन सा डिजिट इसका पार्ट नहीं है। जैसे कि 1, तो हमको पता है 1 इज़ डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर, सो 1 इज़ डिवाइजर ऑफ 10, सो 1 इज़ पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन। इफ़ आई राइट अनदर नंबर 3, तो 3 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 10, इट मीन्स वी नो दिस वन इज नॉट डिवाइजर, इट मीन्स इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस कलेक्शन। इफ आई राइट अनदर नंबर 5, देन वी नो दैट 5 इज डिवाइजर ऑफ 10, सो यस इट इज मेंबर। तो यहाँ पर हमको पूरा क्लियर पता चल जाता है कि कौन सा नंबर ये कलेक्शन का पार्ट है या कौन सा डिजिट इसका पार्ट नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब यहाँ पर आपको ब्यूटीफुल गर्ल्स बोला है, ब्यूटीफुल की डेफिनेशन क्या, आप किसको ब्यूटीफुल बोलेंगे, बराबर? क्या आप रंग के हिसाब से बोलेंगे या ब्रेन के हिसाब से बोलेंगे? तो ये जो लास्ट है इसमें ब्यूटीफुल गर्ल्स दिया है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इट मीन्स दिस वन इज नॉट अ सेट। तो सेट क्या होता है? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, एंड वेल डिफाइंड का मतलब होता है कि हमको क्लियरली पता होना चाहिए कि कौन सा ऑब्जेक्ट ये कलेक्शन का मेंबर है या ये कलेक्शन का मेंबर नहीं है। ओके, अब सेट को डिनोट करने के लिए हम सिंबल कौन से यूज करेंगे? तो सेट्स आर
denoted by capital letters. ये जो sets होते हैं उनको हम डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं. बराबर, सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए बी सी अप टू एनी अल्फ़ाबेट. कोई भी अल्फ़ाबेट का यूज करके हम सेट को डिनोट करते हैं. अब सेट को डिनोट करने के बाद सेट के जो मेंबर होंगे उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, तो मेंबर्स को हम दूसरा एक वर्ड भी बोलते हैं, एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स. बराबर, जो हमारे एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड एनी अल्फाबेट, बट स्मॉल लेटर का यूज करते हैं. तो ये हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं एंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्मॉल लेटर का यूज करते हैं. ओके, अब कोई एलिमेंट है वो अगर सेट का मेंबर है तो उसको हम कौन से सिंबल से दिखाएंगे. सो इफ आई से कैपिटल ए इज सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. बराबर, ये मैंने एक सेट लिखा है. जैसे मैंने बोला कि सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, तो सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. अब हमको पता है कि जो ए है, फर्स्ट अल्फाबेट ए, इज मेंबर, इट इज वॉवेल. सो इफ इट इज मेंबर ऑफ सेट देन वी यूज द सिंबल बिलोंग्स टू. ये जो सिंबल है इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं. ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. इसको रीड ऐसे करते हैं, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इफ एनी एलिमेंट इज पार्ट, या तो कोई जो सेट है वो सेट का मेंबर है तो उसके लिए हम बोलते हैं स्मॉल ए belongs to capital A. Similarly, अगर मुझे किसी ने बोला कि letter B, तो we know B is not vowel. इसका मतलब जो B है वो capital A का part नहीं है, तो उसके लिए हम symbol use करते हैं not belongs to. B is not in A, that is B, इसको हम read ऐसे करेंगे, B does not belongs to. B does not belongs to capital A. तो if element is part, then we say it is belongs to. And if it is not a part, then we say it doesn't belongs to. B does not belongs to. ये actually एक Greek letter है, epsilon है, but यहाँ पर हम इसको बोलते हैं A belongs to capital A. और अगर ये मेंबर नहीं है तो हम बोलेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए. अब मेथड्स टू रिप्रेजेंट सेट, मतलब हमने पहले सेट देख लिया, सेट का मतलब क्या है. तो सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. इसके बाद वेल डिफाइंड का मतलब क्या, तो वेल डिफाइंड मींस इट गिव्स क्लियर आइडिया. After that, to represent set, we use capital letters, and to represent element, we use small letters. अब जो set होता है उसको represent करने के लिए हमारे पास जो methods है वो methods देख लेते हैं. तो methods to represent set,
अब सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं, वन इज अ रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, एंड सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, तो रोस्टर फॉर्म मीन्स जितने भी एलिमेंट होंगे वो हर एक एलिमेंट को हम लिस्ट करेंगे, जितने भी एलिमेंट हैं वो हर एक एलिमेंट को हम लिखेंगे, एंड वी सेपरेट देम बाय कॉमा बिटवीन कर्ली ब्रैकेट। सपोज मुझे यहाँ पर एक सेट दिया है, जैसे कि कैपिटल ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, बराबर, ये एक सेट है। अब इसको अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखना है, तो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो फर्स्ट नेचुरल नंबर है 1, देन 2, देन 3 एंड 4, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 5 बोला है। तो यहाँ जितने भी मेंबर्स है, ये जो सेट दिया है इसके जितने भी मेंबर्स है वो हर एक मेंबर को आपको लिखना है बिटवीन कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेट देम बाय कॉमा। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 है वो हर एक नंबर आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है एंड सेपरेट देम बाय कॉमा। इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। एंड सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो इसमें आपको जो एलिमेंट्स दिए जाते हैं वो एलिमेंट्स कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम सेट को लिखते हैं। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पर दिया गया है कैपिटल ए इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 8, तो आपको जो कंडीशन दी है वो है नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। अब इनको प्रॉपर्टी फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या तो सेट बिल्डर, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म है इसको प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं, तो इसमें भी आपको कर्ली ब्रैकेट के बीच में ही लिखना है, बट यहाँ पर आपको लिखना है एक्स, या तो आप कोई भी लेटर लिख सकते हैं ए बी सी डी एनी लेटर स्मॉल एक्स, फिर सच दैट, ये जो दो डॉट की है एक्चुअली इसको कॉलन बोलते हैं बट हम इसको ऐसे रीड करते हैं एक्स सच दैट। अब व्हाट इज एक्स, एक्स कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इट इज नेचुरल नंबर, सो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक तो ये नेचुरल नंबर है, सेकेंड कंडीशन क्या है लेस देन 8, एक्स इज लेस देन 8, ये जो है इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, या जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हर एक एलिमेंट को आपको लिखना है बिटवीन कर्ली ब्रैकेट एंड सेपरेट देम बाय कॉमा, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम एक्स सच दैट जो एक्स की प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी लिखेंगे, बराबर, तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये दो मेथड है, एक है रोस्टर फॉर्म या तो इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म या तो प्रॉपर्टी फॉर्म, जिसमें हम जो आपके एलिमेंट है वो एलिमेंट की एक कॉमन प्रॉपर्टी जो होती है वो कॉमन प्रॉपर्टी का यूज़ करके सेट को लिखते हैं। दोनों में कर्ली ब्रैकेट के बीच में आपको एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 1, राइट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो हमको एक इक्वेशन दिया गया है, वो इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो हम 10 स्टैंडर्ड से जानते हैं, सॉल्यूशन मींस वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, और इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले जो हमको इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0,
इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो इसके फैक्टराइजेशन हियर लास्ट नंबर इज 2, तो 2 के फैक्टर, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो 2 के फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए, बराबर। तो 2 के फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके 1 आना चाहिए, तो 2 के फैक्टर है 2 एंड 1, सब्ट्रैक्ट करके लाना है। यहाँ पर आपको प्लस एक्स चाहिए, तो ग्रेटर नंबर के आगे प्लस का साइन एंड स्मॉलर नंबर के आगे माइनस का साइन, और फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा इनका फैक्टराइजेशन। 1 फैक्टर इज एक्स प्लस 2 एंड सेकेंड फैक्टर इज एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस 2 और एक्स इज इक्वल टू 1। सो दीज आर सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यू है, अब इन्होंने बोला है आपको सेट में लिखना है और वो भी रोस्टर फॉर्म में। तो आवर आंसर इज इन कर्ली ब्रैकेट राइट एवरी मेंबर दैट इज माइनस 2 एंड प्लस 1, ये है सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द सेट x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। ये जो आपको दिया गया है ये सेट बिल्डर फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट के बीच में x सच दैट, ये x की प्रॉपर्टी है। x क्या है? पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 मीन्स अ नंबर whose square is less than 40 and it is positive integer. So we know first positive integer is 1. So if I take x as a 1, then 1 square is less than 40. Yes, it is true. So 1 is member of our set. Then we take another number, x equal to 2. 2 square is less than 40. Yes, this one is also true. So 2 is also member of our set. Then we take x as a 3, then 3 square is less than 40. This one is also true. X equal to 4, then 4 square, this one is less than 40. Yes, it is true. Then x equal to 5 square is less than 40. This one is also true. X equal to 6, then 6 square is 36. And 36 is less than 40. Yes, this one is also true. But if I take x as a 7, then 7 square is 49, and 49 is less than 40. This one is not true. तो हमको बोला था positive integer, इसका मतलब हमने 1 से start किया, इनका square less than 40 होना चाहिए। तो positive integer and less than 40 जिनका स्क्वायर है, ऐसे जितने भी नंबर्स है वो हर एक नंबर को आपको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है एंड सेपरेट देम बाय कॉमा। सो हियर 1, क्योंकि x का वैल्यू 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6, जितने भी आपकी x की पॉसिबल वैल्यू है वो हर एक वैल्यू को कर्ली ब्रैकेट में लिखना है एंड सेपरेट देम बाय कॉमा। एग्जाम्पल नंबर 3, write the set capital A equal to 1, 4, 9, 16, 25 and so on in set builder form. तो यहाँ पर मुझे जो set दिया गया है वो roster form में है, but ये infinite set है क्योंकि इसमें last element कौन है वो हमें पता नहीं है। तो हमने तो ऐसा बोला था roster form में हर एक element को लिखना है and separate them by comma, but जब सेट इनफाइनाइट होता है तो हम स्टार्टिंग के 4-5 नंबर लिखते हैं एंड आफ्टर दैट 3- करके छोड़ देते हैं, बराबर ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है तो उसके हर एक एलिमेंट को तो हम नहीं लिख सकते। तो हियर कैपिटल ए इज गिवन 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। ये सेट को आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मीन्स ये जो नंबर्स दिए गए हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आपको देखना है। तो कैपिटल ए इज़ गिवन 1, 4, 9, 16, 25
कॉमा एंड देन थ्री डैश करके क्लोज किया है। अब ये जो फर्स्ट है वन, तो इट इज स्क्वायर ऑफ वन, फोर मीन्स इट इज स्क्वायर ऑफ टू, नाइन इट इज स्क्वायर ऑफ थ्री, सिक्सटीन स्क्वायर ऑफ फोर, ट्वेंटी फाइव स्क्वायर ऑफ फाइव, तो ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपके जितने भी नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, उनका स्क्वायर करके ये सेट में लिखा गया है। इसी को अगर आप सिंबल का यूज करके लिखते हैं तो x सच दैट x, अब x की प्रॉपर्टी क्या है, तो x इज स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सो x इज, तो x इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, x इक्वल टू n स्क्वायर, वेर योर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये बिलोंग्स टू का सिंबल आया। जब भी हम कोई एलिमेंट सेट का मेंबर होता है तो बोलते हैं n belongs to, और अगर वो मेंबर नहीं है तो बोलते हैं इट इज नॉट belongs to। एग्जाम्पल नंबर फोर, राइट द सेट 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमको सेट दिया गया है रोस्टर फॉर्म में लिख के, अब आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब आपके जो नंबर्स है वो नंबर कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं उसका यूज करके आपको ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट के लिए हम सिंबल देते थे, सपोज कैपिटल ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब ये कंडीशन क्या है, तो अगर आप न्यूमरेटर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, मतलब ये नेचुरल नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नेचुरल नंबर है वो पता चल चुका है। अब डिनोमेटर देखते हैं, अगर न्यूमरेटर में 1 है तो डिनोमेटर में 2 दिया है, न्यूमरेटर में 2 तो डिनोमेटर में 3 दिया, न्यूमरेटर में 3 तो डिनोमेटर में 4 है, न्यूमरेटर में 6 तो डिनोमेटर में 7 है, इसका मतलब जितना आपका न्यूमरेटर है उससे प्लस 1 एक ज़्यादा है डिनोमिनेटर। तो x क्या है, तो एक रेशनल नंबर है, तो x इज वन रेशनल नंबर जिसमें आपका न्यूमरेटर जो है वो अगर n है तो डिनोमिनेटर है n प्लस 1। अब ये नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, बट आपको तो यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 तक दिया है, इसका मतलब आपके n की जो वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर या तो इक्वल बट अप टू 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहाँ पर आपको n बिलोंग्स टू कैपिटल N लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप n बिलोंग्स टू n नहीं लिखेंगे तो बिटवीन 1 एंड 6 1.5 भी होता है। तो आपको जैसे हमने डेफिनेशन दिया है वेल डिफाइंड, आपको एग्जैक्टली ये बताना है कि ये सेट में कौन मेंबर है, या तो कौन सा ऑब्जेक्ट इसका मेंबर है एंड कौन सा ऑब्जेक्ट इनका मेंबर नहीं है। तो आपको हर एक चीज़ डिटेल में दिखानी है, x इज रेशनल नंबर, योर न्यूमरेटर इज n, देन योर डिनोमिनेटर इज 1 प्लस देन योर न्यूमरेटर, आपका न्यूमरेटर स्टार्ट होता है 1 से अप टू 6, तो 1 से लेके 6 तक इक्वल साइन किया, इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एंड जो आपका नंबर है वो नंबर नेचुरल भी होना चाहिए। तो ये था हमारे लिए एग्जाम्पल नंबर 4।